दे आर स्टिल सर्वाइविंग, चार किल्स उनके पास, लेकिन अपर एरिया एडवांटेज नहीं है और यही इनको हरा सकता है। वी आर वन वर्सेस इनसेन की जो फाइट हो सकती है, बहुत इंटेंस फाइट हो सकती है। शॉकवेव और प्रिंस ऊपर के एरिया पर रहेंगे जरूर, लेकिन 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 वी आर वन का एग्रेशन हम लोग इससे वाकिफ है। प्रिंस थोड़ा सा पीछे अपनी टीम से, बट बारी आती है कि क्या ये लोग यहां पर फाइट लेंगे। शॉकवेव अभी भी ऊपर है, वो एक चेंजिंग पोर्शन रख सकते हैं इस गेम का, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हैं और वो अपनी फाइट निकाल सकते हैं। स्मोक करके आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर वी आर वन के प्लेयर्स कर रहे हैं, सर्कल से 24 मीटर दूर, लेकिन पंप को टेक डाउन किया जाएगा इजिली। स्प्रे को डाउन हो चुके, प्रिंस के ऊपर बाहर आता है अब यहां पर, प्रिंस को जोन के बाहर रहते हैं, हल्की सी फाइट लेनी पड़ेगी बिकॉज ऑपोजिट साइड से वहां पर शॉकवेव को गोलियां पड़ रही है। तीन यहां पर फर्स्ट लेंगे, बट प्रिंस स्टिल ट्राई, काफी बेहतरीन डैमेज दिया था। शॉकवेव ने कंफर्मेशन करी, असिस्ट प्रिंस का, एक बहुत बढ़िया असिस्ट की फॉर्म में यहां पर देखने को मिलता है और छठा सर्कल हम लोगों के सामने होने वाला। लेकिन इन सबके बीच में एनवाई के प्लेयर्स वो आ चुके हैं फाइट में और वो अच्छी फाइट अपने लिए बना रहे हैं। बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल की फाइट इंटरेस्टिंग रहने वाले है। एनवाई के निंजा अभी भी टीवी पे एंगल लेते हुए नजर आ रहे हैं सामने, इनसेन के प्लेयर्स को पूरा फिनिश करेंगे, शॉकवेव का किल कंफर्म करेंगे। इसके चलते एक मात्र प्लेयर बचा हुआ है लेफ्ट साइड वाले रॉक पे, प्रिंस है। क्या ये वाली फाइट निकाल पाएंगे उनके सामने? तीन किल ऑलरेडी आ चुके हैं नलायक के नाम, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग वन। विकेट का मैच हम सबको पता है कि फाइनल सर्कल एक इंटरेस्टिंग वन है, और वो भी अगर एक रिच पे हो जहां पे मात्र कुछ इक्के दुक्के अगर कवर है तो फिर मजा आ जाता है वहां पे। फिनटेक्स के रॉयल को नॉकडाउन कर दिया जाएगा एमएम के क्लोक के द्वारा, एनवाई के डोमिनेटर, उनको पता है कि प्लेयर मात्र बचा उस वाले रॉक के पीछे, प्रेस को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। एक प्लेयर अगर नॉकडाउन करा तो उसके बाद एक ओपनिंग बन जाएगी टीम इनसेन आईटी प्रिंस के लिए, राइट साइड से प्लेयर आएंगे जरूर, राइट ये फाइट मुश्किल बनेगी। प्रिंस को यहाँ पे एक कवर कर दिया बहुत ही प्यारी तरीके से स्प्रे गॉड ने, एंड यहाँ पे प्रिंस एक और नॉक निकाल चुके, एकमात्र प्लेयर बचा हुआ है वहां पे निंजा, वो भी बहुत ज्यादा ओपन से हारे नहीं, इसी के चलते टीम इनसेन यहाँ पे वाइप आउट करती हुई नजर आई। नलायक ने जिस तरीके से गेम प्ले दिखाया, बहुत ही कैजुअल गेम प्ले, जहाँ पे एक एक करके प्लेयर जा रहे हैं पीछे, आई डोंट नो कि क्या वहां पे कवर फायर देने की कोशिश चलते जरा सोल ब्लेजी रहेगा एंड मॉर्टल यहाँ पे बचे हुए फिलहाल टीम नंबर 11 काफी यहाँ पे एडवांटेजेस में दिखती हुई नजर आ रही है। ब्लेजी यहाँ पे कंटिन्यूस और आई के क्लाउड के ऊपर, 8 बिट के नियो नाइक अभी भी नीचे की तरफ रिज होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे सोल के मॉर्टल और रेगा भी यहाँ पे नॉक हो चुके, तो यहाँ पे ब्लेजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखते नियो नाइक को काफी लोड डाउन किया ब्लेजी के ऊपर, हालांकि यहाँ पे छलावरण का प्रयोग किया जा रहा है ब्लेजी को, यहाँ पे बहुत करना आसान नहीं होगा। क्रूसीफायर यहाँ पे नॉक निकाला, नियो नाइक यहाँ पे नॉक, 1v3 यहाँ पे निकालते हुए सोल के ब्लेजी, लेट्स सी सीएस को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हैं, तो एक 1v4 का क्लच देखने को मिल सकता है। सोल के ब्लेजी कंटिन्यूस यहाँ पे नेट स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आई के सारेक्स यहाँ पे लोड, 1v4 भाई सोल ब्लेजी यहाँ पे देखने को मिला, रेगा यहाँ पे बचे हुए, रैप किया जाएगा, रेगा को बचा लिया जाएगा सोल ब्लेजी के द्वारा, तो काफी बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला। सोल ब्लेजी 1v4 इस क्लच का इंतजार कर रहे थे गाइज, और वो क्लच